नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक पे। इंडिया में लगभग 25 से 30 लाख पॉपुलेशन है जो हर रोज इंडिया जाती है, सालाना अगर बात करें तो। पासपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी 2023 ये जो अभी चल रहा है रनिंग में, 10 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक बार गलती करती है तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई पॉइंट तो ऐसे बताऊंगा कि जो एक बार गलती करती है जिंदगी में दोबारा वो गलती आप सुधार नहीं सकते, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। 10 टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद इधर उधर कमेंट करने की या एजेंट जो पासपोर्ट बनाने वाले हैं उनको 10-20 हजार रुपए देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको सच्चाई, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये पॉइंट आप चाहो तो नोट करके रख सकते हैं या फिर जब भी पासपोर्ट अप्लाई करो तो आपको इन चीजों की ध्यान में रखने की सख्त जरूरत है। अब फिर भी आपका वीडियो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देंगे। पहले बात करें 2023 में अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट बनाने में लगाने चाहिए या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगाने चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। पासपोर्ट में क्या नाम चेंज कर सकते हैं या फिर सरनेम जुड़वा सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। गलती से आपका पासपोर्ट ईसीआर बन जाए, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी इमिग्रेशन होगा अनपर टाइप का पासपोर्ट बन जाए तो ये गलती कर दे तो इसमें सुधार किस तरह से आप कर सकते हैं। आप पासपोर्ट में तो ये मान लो बड़े हैं और रियल में आपकी एज छोटी है, ऐसा क्यों होता है जो जवानी में आपको बुढ़ापे की ओर लेके जाता है आपका पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट। आप जवान होते हुए भी आपको नौकरी नहीं मिलती विदेश में, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। पासपोर्ट आपको कौन सा बनवाना चाहिए, एक 36 पेज का भी बनता है, एक 72 पेज का भी बनता है, इसका कितना चार्ज लगता है इस पे भी हम बात करेंगे। पुलिस अगर आपसे पैसा मांगती है पासपोर्ट वेरिफिकेशन में या आपका एड्रेस गलत है, आप में ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। पासपोर्ट बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए इस पे भी हम बात करेंगे। 10वीं पास अगर आप नहीं हो तो भी आपका पासपोर्ट ईसीएनआर बन सकता है, यानी चेक रिक्वायरमेंट नोट, समझ रहे हैं, जिसमें पासपोर्ट में इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होती है। पासपोर्ट में अपना एड्रेस कैसे बदल सकते हैं इस पे भी बात करेंगे। पासपोर्ट का पूरा प्रोसेस करने में कितना समय लगता है इस पे हम बात करेंगे। 10 टॉपिक में वीडियो बनाने वाले हैं, पूरे विस्तार से बताएंगे, वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको नई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, पासपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए। तो पासपोर्ट में अगर देखा जाए तो 3 डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिसमें आपका मेन जो डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें आपका अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं तो 10वीं की मार्कशीट आपको जरूर लगानी चाहिए। आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, लाइसेंस लगा सकते हैं, राशन कार्ड की लगा सकते हैं, या आपके नाम से बिजली का बिल है, पानी का बिल है, या आपकी बैंक की पासबुक है, इसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट जबकि 3 मस्ट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो नेचुरल मिल जाते हैं, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर लाइसेंस है तो वो लगा सकते हैं या फिर राशन कार्ड लगा सकते हैं। चौथी आप 10वीं की मार्कशीट लगा दीजिए, ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपको जरूर लगाने चाहिए। या फिर बात करें कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगाने चाहिए, तो आपको ये डॉक्यूमेंट में मैं क्लियर कर दूं, जिसमें आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो ना उनमें नाम सब में सेम होना जरूरी है। अगर जिस मान लो आपके पास 8-10 डॉक्यूमेंट है और उसमें कुछ नाम आपके मैच नहीं हो रहे, जिसमें अशोक, किसी में अशोक है, किसी में अशोक ओदारा है, किसी में अशोक चौधरी है, तो तीनों अलग अलग हो गए, तो ऐसे 3 डॉक्यूमेंट आपको देखने हैं जिनमें सेम नाम है, अशोक कुमार है, तीनों को एक देखिए, तीनों के डेट ऑफ बर्थ देखिए, उस हिसाब से आपका पासपोर्ट में आपको वो डॉक्यूमेंट लगा देने चाहिए। एड्रेस में कंफर्म कही एड्रेस आपको पता है गांव में भैया ऐसे बन जाता है, आधार कार्ड में कुछ एड्रेस और होता है, राशन कार्ड में कुछ और लिखा हुआ होता है, पैन कार्ड में कुछ, मतलब अलग अलग एड्रेस होते हैं, तो उसमें मैच कर लिया। हालांकि आजकल तो लोग पॉपुलेशन जो लोग हैं वो सियाने हो गए हैं भैया, सियाने हो गए, सियाने का मतलब समझते हैं ना, तो वो डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई करते हैं, सब एड्रेस वगैरह सही होना चाहिए। पहले ऐसे लगा देते थे, आपके राशन कार्ड में कुछ एड्रेस पूरा नहीं लिखा हुआ है, आधार कार्ड में कुछ अलग लिखा हुआ है, तो सेम एड्रेस और सेम नाम और सेम एज आपकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं हो। अब बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट मान लो आप बना लेते हैं कई बार में, लेकिन आपको अपना पासपोर्ट में कुछ चेंज करना होता है, जैसे सर नेम, अभी पिछली बार एक शिकायत आई थी, शिकायत क्या भैया, कुछ अलग अलग कंट्री नेम बना देते हैं, पासपोर्ट में आपको मान लो नाम चेंज करना पड़ गया, आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं या कुछ रीजन है, या फिर सरनेम नहीं है, अशोक है, आगे गोदारा भी नहीं हो सकता, कुमार भी नहीं है, चौधरी भी नहीं है, सरनेम नहीं है, तो मैं सरनेम लगाऊंगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। नाम चेंज करना, सरनेम लगाना, नहीं ये लगाना, ये इनका जो पासपोर्ट का है ना ये सिस्टम, ये वैसे इसका एफिडेविट बनने का कोर्ट से, आप ध्यान रखिएगा, समझ गए, और कोर्ट से बनने के बाद में आपको अखबार में एक ऐड देना पड़ेगा, पेपर में, 2 अखबारों में देना पड़ सकता है, चाहे आप किसी भी 2 पेपर में ऐड देखिए, उसमें आप पूरी स्टोरी लिख सकते हैं, मेरा नाम ये है, मैं मेरा सरनेम चेंज करना चाहता हूं, और ये इसमें एक कॉलम होता है जो आप पासपोर्ट से संबंधित आप एडवाइस कहीं ना कहीं जानकारी लोगे तो आपको मिल जाएगी, और उसमें वो दोनों अखबारों की कटिंग के साथ में आप अपना दोबारा पासपोर्ट अप्लाई करोगे तो आपका नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर सरनेम बदलना चाहते हैं या आप ऐड करना चाहते हैं तो इजीली हो जाएगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। 3 नंबर पॉइंट पे बात कर लें कि गलती से आपका पासपोर्ट ईसीआर बन गया। ईसीआर का मतलब होता है आपके पासपोर्ट में इमिग्रेशन रिक्वायर्ड है, मतलब आपका पासपोर्ट 10वीं पढ़े लिखे नहीं हो, आप अनपढ़ का बन गया, ये समझ लीजिए, जबकि आपके पास 12वीं की बीए की मार्कशीट है या 10वीं की मार्कशीट है, गलती से आपने लगाई नहीं थी या फिर लगा दी लेकिन वो चेक नहीं हो पाया, ये गलती कर दी, तो इसके लिए क्या कर सकते हो भैया, इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको दोबारा से फिर पासपोर्ट को आवेदन करना पड़ेगा और ये एफिडेविट साथ में देना पड़ेगा कि गलती से मेरी 10वीं की मार्कशीट नहीं लग पाई, इसलिए मैं दोबारा लगाना चाहता हूं, क्योंकि आपका तो पासपोर्ट ईसीआर बनना था, बन गया ईसीआर। अब ईसीआर आपको पता है 18 देश में आप जाते हैं, जिसमें गल्फ के देश है, मलेशिया, सीरिया, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश,
ऐसी जो कुछ 18 कंट्री सरकार ने फिक्स कर रखी हैं इन देशों में, और ज्यादातर 90% इंडियन लोग इन्हीं देशों में जाते हैं, तो उन देशों में अगर आप जाओगे तो आपका पासपोर्ट पे ईसीआर है तो उसमें इमिग्रेशन होगा तो आपको दिक्कत आएगी। आपका पासपोर्ट आपको जवानी में बूढ़ा बना देगा। अब कैसे बनेगा आपको ये भी सोचने की बात है। मान लीजिए कि आपकी उम्र है 20 साल या फिर आपकी उम्र है 18 साल। अब आपको कई बहुत सारे बच्चों को जल्दी होती है विदेश जाने के चक्कर में, वो फिर अपने डॉक्यूमेंट में उम्र बढ़वा लेते हैं, समझ रहे हैं, उम्र बढ़वा के 22-23-25 साल कर लेते हैं। कई देशों में 25 साल मांगते हैं, एजेंट बोल देता है भैया 25 साल जिए, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। एज पास डॉक्यूमेंट में बढ़ा के लिखवा लेते हैं, उसके बाद में समस्या आ जाती है। 10वीं की जो मार्कशीट है वो लगाते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें तो जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जन्म प्रमाण जो एक तरीके से माना जाता है, उसमें तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसमें आप चेंज कर लेते हैं, जैसे छोटी मोटी आप मान लो ओबीसी कोई प्रमाण पत्र बना लेते हैं, या फिर आप कोई 8वीं 5वीं 7वीं 8वीं की जो मार्कशीट होती है स्कूलों में हाथ से लिखी गई उसको काट के उसमें उम्र ज्यादा लिखा लेते हैं, तो ये एक बार के लिए तो आपका हो जाएगा। लेकिन जब आपको पता लगेगा कि आपकी रियल उम्र 25 साल है लेकिन पासपोर्ट में डॉक्यूमेंटली उम्र आपकी 30 साल दिखा रहा है, तब आपको ये आंखें खुलेगी कि अपन तो जवानी में बूढ़े हो गए। अब बूढ़े का मतलब ये होता है भैया विदेशों में बहुत सारी कंपनियां 40 के बाद ही नहीं लेती, कई कंपनियां 45-50 के बाद नहीं लेती। उम्र आपकी 40 साल है, पासपोर्ट में आपकी उम्र 45 साल हो चुकी है, यानी आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, चाहे आपके बाल अभी तक है ना वाइट ही नहीं आए, काले ही पड़े हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप बूढ़े हो गए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप यकीन करें ये प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूं मेरे खुद के, मतलब हो सकता है नॉलेज उस टाइम नहीं था तो गलती कर दी थी। तो ये सब कुछ चीजें आपको नहीं करनी है, जल्दबाजी के चक्कर में उम्र बढ़वाना मत, वरना बुढ़ापे में बूढ़ा कर देगा आपका पासपोर्ट। और एक बार पासपोर्ट में उम्र जो लिखी गई जिंदगी में कोई उसको चेंज नहीं कर सकेगा, चाहे आप एजेंट को 1,00,000 रुपए दे दो। इस बात का हमेशा कान खोल के आराम से सुन लेना इस बात। पासपोर्ट कौन सा बनवाना चाहिए, देखिए पासपोर्ट दो तरीके के बनते हैं, हालांकि वैसे तरीके बहुत सारे बनते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर नॉर्मल सिटीजन की देखा जाए तो 36 पेज का पासपोर्ट बनता है, बेहतर पेज का पासपोर्ट बनता है। आज तक मैंने किसी के हाथ में बेहतर पैसे का पासपोर्ट नहीं देखा है, और लोग लगभग 1500 फिक्स है या 1500 रुपए फीस है, 200-400 वो ले लेगा, इतना में बन जाएगा 36 पेज का पासपोर्ट। लेकिन जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ट्रेवल करते हैं या घूमते रहते हैं, 36 पेज कितने होते हैं भैया, इमिग्रेशन में जाओगे इमिग्रेशन वाले अधिकारी इतने पक्के हुए, उनका माइंड एकदम पक चुका होता है, जैसे SBI बैंक में वर्करों का पक गया ना माइंड, वो जो खाली पेज होता है ना उस पर पूरे बीच में मोर मार देते हैं, यानी एक पेज एक बार में खत्म, दूसरी बार आओगे पेज खत्म, तो 36 पेज होते कि होते कितने भैया, खत्म हो जाते हैं। तो इसमें 1500 पीस या बेहतर पेज का पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं, जिसमें जस्ट आपका पासपोर्ट डबल काम करेगा, यानी डबल पेज हो गए उसमें, उसकी फीस 3000 है, उसकी फीस डबल है, लेकिन पासपोर्ट एक बार ही बनाने का झंझट रहेगा, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, तो आप चाहो तो ये काम कर सकते हैं। और बाकी नॉर्मली में 36 पेज भी लोगों की जिंदगी में भरते नहीं है सर, बहुत सारे लोगों की, हालांकि पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो रिन्यू करवा लेते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जो ज्यादा ट्रेवल करते हैं ना उनके लिए बेस्ट है। 6 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि पुलिस पैसे मांगती है वेरिफिकेशन के, एड्रेस आपका गलत है, आपके ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसमें ये मिस्टेक है, इसी तरीके की प्रॉब्लम फेस आती है जब पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आती है और आपको कॉल करते हैं या फिर आपका कांस्टेबल आपको परेशान करता है। तो देखिए वेरिफिकेशन करना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, उनको पैसा देने का तो सवाल ही नहीं उठता आजकल। तो पहले तो क्या होता था, पुलिस वाला घर पे आता था और आपको आस पड़ोस के दो गवाहों के साइन करके लेके जाता था, लेकिन आजकल उसको चेंज कर दिया है, कांस्टेबल आपको फोन करेगा जो बीट अधिकारी होता है, और वो आप अपने दो गवाहों को जो आपके घर के नहीं होने चाहिए, आपका भाई फादर ये नहीं होने चाहिए, दो पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपके चाचा हो गए जिनका आपके आईडी में नाम नहीं है, वो दो बंदों को और उनकी ओरिजिनल दो आईडी लेकर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके उनके पास जाना होता है और वेरिफिकेशन करना होता है। अब उनमें हो सकता है उनके पास जो एड्रेस है, मैंने फर्स्ट में बताया ना एड्रेस तीनों में सेम होगा वही डॉक्यूमेंट लगाएं, यहां पे आप लोग क्या कर देते हैं डॉक्यूमेंट वहां पे और दिखा देते हैं और इनके पास और लेके पहुंच जाते हैं, वो उनको बहाना मिल जाता है, देखिए आपके हमारे एड्रेस में तो ये लिखा है, आपके में तो ये लिखा है, ये तो गलत हो गया, अब आपको 5000 देने पड़ेंगे वरना वेरिफिकेशन में ये नोट लिख के डाल देंगे, आपकी उनका रुक जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद अगर आपसे 200-400-500 रुपए की मांग कर रहा है तो वो इलीगल है, आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, 7 दिन में उनको वो इंक्वायरी भेजनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी है, आप ध्यान रखिएगा। लोगों का सवाल होता है कि सर 10वीं पास जो बंदा है, जो बंदा दसवीं पास नहीं है उसका पासपोर्ट का ECNR बन सकता है, इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बंदे 10वीं पास नहीं है, समझ गए, उनके पासपोर्ट में आप इमिग्रेशन जो चेक रिक्वायर्ड का ऑप्शन रहेगा। आपको एजेंट कोई बोलता है, कोई फर्जी लोग बोलते हैं कि हम आपका हटवा देंगे ECNR करवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 10वीं पास अगर आप नहीं हो तो आपके पासपोर्ट में चेक रिक्वायर्ड का ऑप्शन आएगा इमिग्रेशन का, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, आपके पास लगता है कि गलती से हुआ, आपके पास मार्कशीट थी आपने लगाई नहीं, भूल गए, कोई भी रीजन रहा होगा, तो आप उस पासपोर्ट को दोबारा अप्लाई करोगे 10th की मार्कशीट में एक एफिडेविट साथ में कि भूलवश मैं ये एप्लीकेशन ये मार्कशीट नहीं लगा पाया, क्योंकि अगर दोबारा लगाते हो ना तो आप शक के दायरे में आ जाते हो कि कहीं ना कहीं आपने नकली फेक मार्कशीट बनाई है, तो आपको उसको एफिडेविट दे देते हैं पहले से, तो वो आप शक की निगाहों से हट सकते हैं। समझ में आ गई होगी बातें। अब सवाल आ जाता है जी पासपोर्ट में एड्रेस कैसे बदले। मान लो जी मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं मान लो दूसरे स्टेट में रहने लग गया, मेरा पहला पासपोर्ट राजस्थान का है, वो चल रहा है, वो एक्सपायर हो गया, तो अब मैं रहता हूँ मान लो हरियाणा में या फिर पंजाब में, तो मेरा एड्रेस वही है, सब कुछ वही है, मुझे पासपोर्ट बनाना है, तो इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है। आपका पुराना पासपोर्ट है वो तो साथ में लगेगा, नए पासपोर्ट में आपने जहाँ रहते हैं वहाँ के आपने डॉक्यूमेंट भी तो बनवाए होंगे ना, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आपका आधार कार्ड या फिर आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाया होगा, राशन कार्ड है या फिर वोटर आईडी है, तो वो एड्रेस आप लगा सकते हैं विद एफिडेविट लगेगा, कोर्ट का आपको एक
नोटरी करवा लेनी चाहिए, जहां तक मैं बताता हूँ कानूनी बातें, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे लगाते हो तो भैया आप फेक डॉक्यूमेंट की नजरों में आ सकते हैं कि पहले आपका राजस्थान का एड्रेस था या पंजाब का लगा रहे हैं, तो ये क्या कैसे कर सकते हैं आप। तो इन चीजों को पहले से सावधानी बरतते हुए आप एक एफिडेविट लगा देंगे कोर्ट का, तो उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। 10 नंबर पर बात कर लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है पासपोर्ट को बनाने में। तो भैया देखिए, पासपोर्ट जैसे आज आपने सोचा कि पासपोर्ट बनाना है, तो 3 डॉक्यूमेंट आपने लेने हैं और अपने नजदीक में ई मित्र पे जाना है, वहां पे उनको फीस देनी है 1500 प्लस उनका 100-200 रुपए चार्ज होता है, वो उनको दीजिए। आप पास में बैठ के डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट करें, वो आपको एक अपॉइंटमेंट दे देगा 2-3-4 दिन बाद का। उस फॉर्म को आप पहले कंप्लीट पढ़ जरूर लें, क्योंकि उसमें कई बार मान लो मिसमैच हो जाता है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, हो सकता है आपने उनको 10th की मार्कशीट बताई, उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया और जो ओके का बटन उस पर क्लिक नहीं किया, तो वो आपके पासपोर्ट में आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेना, आपको लगेगा हाँ आप सही है, सब कुछ सही है। तो दिए गए अपॉइंटमेंट की डेट पे आप पासपोर्ट में नियर पासपोर्ट के अंदर वहां पे पहुंच जाइए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में प्लस आपने जो ई-मित्र से निकलवाए थे वो डॉक्यूमेंट साथ में, और वहां पे पहुंच जाओ, और वहां पे जो भी आपका वेरिफिकेशन अंदर लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है, पासपोर्ट आपका कंप्लीट होकर आपको एक मोर लगा हुआ एक रसीद दे देंगे, वो आप घर आ जाओ, 10 से 15 दिन के अंदर आपके पासपोर्ट में इंक्वायरी आ जाएगी, आपके पासपोर्ट की इंक्वायरी आ जाएगी नियर पुलिस स्टेशन में, वहां से आपको कॉल आ जाएगा। आजकल तो थोड़ा सा 40-50 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, उसमें आपको एक मैसेज अलर्ट का सिस्टम कर देते हैं, उसमें पूरी डिटेल आती रहती है, आप आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पहुंच गए, अब फाइल ये हो गई, अब ये हो गई, अब आपके यहाँ से पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी चली गई, वापस आ गई, आपका पासपोर्ट निकल गया है, वो पूरी डिटेल आपके SMS द्वारा आती रहती है, तो उसको फॉलो कर लें। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसके बाद में 15 दिन के समथिंग पासपोर्ट आपका बनके घर आ सकता है। तो ये सब कुछ जीचे 10 से 1 पॉइंट थे मैंने आपको बताया, इन पॉइंटों का फॉलो कर लोगे तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। डॉक्यूमेंट में आपको नाम चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, ये आसानी से हो जाएगा, कोर्ट का एफिडेविट लगा देंगे तो वो एक नंबर में काम बन जाता है। तो ये सब कुछ जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। जय हिंद।